दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस स्थित इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बृहस्पतिवार रात भीषण आग लग गई। दमकल के 18 गाड़ियों को भेजा गया, पर हालत बिगड़ने के बाद 22 और गाड़ियां भेजी गई। मार्केट सूत्रों का दावा है कि आग से 100 से अधिक दुकानें स्वाह हो गई, जबकि भागीरथ पैलेस इमारत का एक हिस्सा देर रात ढह गया। आग ने 4 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। एक इमारत में 30 से अधिक दुकानें बताई जा रही हैं। आग से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। देर रात तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस और दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। देर रात दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि अभी हालत ठीक नहीं है, आग पर सवेरे तक ही काबू पाया जा सकेगा, कोई हताहत नहीं है। इमारत का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। पूरा चांदनी चौक इलाका रात में दमकल विभाग और पुलिस की गाड़ियों के सायरन से गूंज रहा था। आसपास पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया। हालांकि आग वाली जगह पहुंचने में दमकल की गाड़ियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग मेन रोड पर बनी दुकानों तक आ गई थी। पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार रात 9:15 के करीब सूचना मिली कि भागीरथ पैलेस की दुकान नंबर 1868 में आग लग गई और आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया खबर मिलते ही फौरन दमकल विभाग को अलर्ट किया गया और 1.5 दर्जन गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग लगने के समय मार्केट पूरी तरह बंद हो चुकी थी। कारोबारी और कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे। दोनों के बाहर सोने वाले कर्मचारी मजदूर ही वहां मौजूद थे। आग लगी तो वहां भागकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। इधर आग ने एक के बाद एक कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ऊंची ऊंची लपटों के बीच धमाकों की आवाजें भी आने लगी। हादसे की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद करने के लिए कहा गया। दमकल विभाग के 150 से अधिक जवान देर रात तक आग पर काबू पाने में जुटे थे। पुलिस का कहना था कि हादसे में कोई हताहत हुआ है या नहीं, इसका पता आग पर काबू पाने के बाद ही पता चल पाएगा। चांदनी चौक में इस साल दूसरी बड़ी आग है। इससे पूर्व कपड़ा मार्केट में करीब 100 से अधिक दुकानों को नुकसान हुआ था। इस मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान के लिए जाना जाता है। आग इसी मार्केट में लगी। सूत्रों का कहना है कि दुकानों में बिजली का सामान होने के कारण आग तेजी से फैली। दमकल विभाग के कर्मचारी कोशिश में जुटे थे कि आग किसी तरह आगे ना बढ़े। मौके पर हाइड्रोलिक क्रेन के अलावा रिमोट कंट्रोल रोबोट को भी बुलाया जा रहा है। जायजा लेने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली सर्वी डालमिया की रिपोर्ट।